मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम अपने PYQ एनालिसिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करेंगे 2010 का PULLB का एग्जामिनेशन। ये जो सीरीज़ है ये रेलिवेंट रहने वाली है वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULLB 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स। और एज़ यूजुअल मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आज के साल के लिए है वो भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। सो विद दैट इन माइंड एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। इसका सही आंसर है डी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नंबर टू, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। इसका सही आंसर है सी, लोकसभा। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट। इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। इसके साथ साथ हम दो टर्म्स और याद रखते हैं, एक है डी ज्योर और दूसरा टर्म है डिफेक्टो। जो प्रेसिडेंट है उनको डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको डिफेक्टो बोला जाता है। डी ज्योर का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और डिफेक्टो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट। आगे मूव करते हैं, अल्ट्रा वायरस इज अ टर्म यूज फॉर एन एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आगे मूव करते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ये वेस्टमिंस्टर जो जगह का नाम है विच इज इन इंग्लैंड। The word socialist was inserted in the preamble by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Its principal aim is to eliminate inequality in economic and social status. ये सही आंसर है। आगे मूव करते हैं, The India became a republic on 26 January 1950. इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। Which among the following is not a fundamental right? जो right to property है ये पहले fundamental right था, लेकिन अब ये सिर्फ constitutional right है, ये article 300A में दिया गया है। Directive principles of state policy aims at providing the social and economic base for the country. ये जो DPSP है इसका आपको ये भी चीज़ याद रखनी है साथ में कि ये जस्टिशियबल नहीं है, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू एनफोर्स दिस। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, अ मेजर इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो हम जब भी किसी की मेजर एज चेक करते हैं वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से करते हैं। सो इफ यू आर 18 ईयर्स और अबव यू आर अ मेजर। कैन अ वुमन बी चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री? इसका आंसर है नो। आज की डेट के लिए हमें क्या याद रखना है कि अडल्ट्री जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस था अंडर सेक्शन 497, उसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक डाउन कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2018 की जजमेंट है। तो आज की डेट में वो अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ सिविल रॉन्ग और उसके बेसिस पे सिविल रेमेडी या डिवोर्स सीख किया जा सकता है। The minimum age for marriage is that the boy must be 21 and the girl must be 18 years of age. In law, a man is presumed to be dead if he is not heard of as alive for 7 years. ये section 107 and 108 of Evidence Act से हमें information पता चलती है। आपको sections याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए that if a person is not heard for 7 years, he is presumed to be dead by the court of law. Sati was declared illegal and punishable in 1829 by, इसका सही आंसर है Lord William Bentinck। इन्होंने सती, बंगाल सती रेगुलेशन पास किया था जिसके साथ सती जो है वो अबॉलिश हो गई थी। A लोक अदालत is different from other courts because its decisions cannot be challenged in a court of law. इसका मतलब ये है कि लोक अदालत की जो awards हैं, decisions हैं, उनके खिलाफ कोई appeal नहीं है,
However, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज बेस्ड डिसीजन है. इसके अलावा आप द पार्टीज आर फ्री टू गो फॉर नॉर्मल लिटिगेशन बाय फाइलिंग अ सिविल सूट. आगे मूव करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वन द नोबेल प्राइज इन 2009. उस साल का आला हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. इस साल का नोबेल प्राइज देखते हैं हम किनको मिला है. नरगिज मोहम्मदी को मिला है. शी इज़ एन इरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हु हैज़ वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर्स फाइटिंग फॉर वेमेन राइट्स अगेंस्ट द इरानियन थियोक्रेसी. आगे मूव करते हैं. द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग. जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इन तीनों चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है. मैं आपको एक बेसिक पहले NRI और OCIA का डिफरेंस बता देता हूँ. जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है जिनको हम NRI बोलते हैं, दीज आर बेसिकली इंडियंस. दे स्टिल होल्ड द इंडियन सिटीजनशिप बट वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो उनके पास अभी भी वोट करने का राइट है. लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है कि उनका ओरिजिन इंडिया से है लेकिन उनको अब किसी और कंट्री की सिटीजनशिप मिल चुकी है. तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने OCI कार्ड देना शुरू कर दिया है जिसके अंडर उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने लग गए हैं, जैसे कि वो इंडिया में आके कुछ प्राइवेट काम कर सकते हैं, इंडिया में आके कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा लेकिन उनके पास वोट करने की पावर अभी भी नहीं है. सो ये बेसिक डिफरेंस आपको NRI और OCI में पता होना चाहिए. और OCI के पास इसके अलावा मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है फॉर लाइफ लॉन्ग. ड्यूरिंग हुज रिजीम द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज अंडरटेकन इन इंडिया. ठीक है, देखिए जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो वैसे 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मेयो. हाउएवर जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था इन द ईयर 1881. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यूजुअली बनता है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, तो उसका हमें याद रखना है लॉर्ड रिपन इन द ईयर 1881. राइट टू एजुकेशन विच इंक्लूड्स आर्टिकल 21A वॉज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th अमेंडमेंट. द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th June. द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. और नेशनल एंथम किन ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर. द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 विल बी हेल्ड इन दिस एंड इट्स लोगो इज दिस. ये आज के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो इस साल की जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गेम्स हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज़ योर होमवर्क. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज, उस साल के लिए तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस साल कौन है, श्री राजीव कुमार हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर. द क्लाइमेट चेंज समिट 2009 विल बी हेल्ड इन, ये रेलिवेंट नहीं है आज के लिए. रेलिवेंट क्या है आज के लिए, UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 जो हुआ था वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 था और वो दुबई UAE में हुआ था. On 12 January 2010, which offered that the Chief Justice of India and Chief Justice of Delhi High Court are covered under the Right to Information Act. 2010 में Delhi High Court ने जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला that the Justices of the High Court and Supreme Court are also under the purview of RTI. इसके बाद ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था इसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2019 में अपहेल्ड कर दिया. Now, the Chief Justice of India and other Supreme Court judges are also liable to disclose information just like any other public authority under the purview of RTI. The Union Minister of Law and Justice is, पहले के हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में हमारे जो Minister of Law and Justice हैं वो हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल. आगे मूव करते हैं. The General Assembly of United Nations Organization consists of, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज. ठीक है, एंड दे आर गिवन वन वोट टू वन मेंबर. देखते हैं हम थोड़ा सा जनरल असेंबली के बारे में. अगर हम देखें तो इट इज़ अ डेलीबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी. इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स
एंड ईच स्टेट हैज़ वन वोट। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी काउंसिल के भी बारे में पता होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं इन टोटल, आउट ऑफ विच 10 आर इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 5 मेंबर्स हैं दे आर परमानेंट एंड दे हैव वीटो पावर। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? US, रशिया, चाइना, UK एंड फ्रांस। अब ये वीटो पावर का मतलब क्या है? दैट इफ एनी ऑफ दीज 5 नेशंस डिसाइड नॉट टू गो विद द रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। ये वीटो पावर का मतलब है। आगे मूव करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज की डेट में कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। आगे मूव करते हैं। द स्टेट्स इन इंडिया वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन जो सबसे पहली बार जब इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसका आंसर है 1956, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था। एंशंट ट्रीटीज ऑन लॉ इज स्मृतिज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम परमिटेड द पुलिस टू इंटेरोगेट द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इसका आंसर है गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम। ये केस कुछ करप्शन से रिलेटेड था, वेयर अ फ्यू जजेस वर इन्वॉल्व, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था टू पुलिस टू इंटेरोगेट दोज जजेस। द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। ये कौन सी कमेटी थी? ये लिंगडो कमेटी थी। जो JM लिंगडो हैं ये इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इनके अंडर कमेटी बनाई गई थी फॉर रिफॉर्म्स इन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस एट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल। इनकी रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। द वायरस विच कॉजेज स्वाइन फ्लू इज स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। नेम दी नोबेल प्राइज विनर फॉर केमिस्ट्री। उस साल का हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल का हम देखते हैं 2023 में केमिस्ट्री में किनको मिला है। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड अलेक्सी यकिमोव फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम टेलीविजन स्क्रीन्स एंड LED लैम्प्स। तो क्वांटम डॉट्स के लिए इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है इन केमिस्ट्री। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इंडियन रेलवे रिज्यूम्ड इट्स ट्रेन सर्विस टू बांग्लादेश आफ्टर 43 ईयर्स। आज के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज रेकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ डैश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। इसका सही आंसर है 3। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ये बोला कि वी नीड 4 रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें से एक है दिल्ली, बाकी 3 देखते हैं कौन से हैं, या तो चेन्नई या हैदराबाद होगा, सेकेंड वन इज कोलकाता, थर्ड वन इज मुंबई। सो दीज 4 प्लेसेस माइट हैव रीजनल ऑफिसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द फ्यूचर। ये प्रपोज्ड है। द सिटी हैविंग द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री इज चंडीगढ़। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम 33% टू 15%, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आज की डेट में भी 33% ही रिजर्वेशन है एज पर आर्टिकल 243T ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिक्स? इसका सही आंसर है एरिस्टोटल। बाकी भी हम देख लेते हैं। जो प्लेटो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ आइडियलिज्म, जो सोक्रेटिस हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस, हेरिडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। व्हाट डज एडजुडिकेशन मीन? एडजुडिकेशन मीन्स डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट। द टाइटल ऑफ महात्मा वॉज कन्फर्ड ऑन गांधी बाय टैगोर।
वही अगर क्वेश्चन आता है हु गेव द टाइटल ऑफ बापू टू महात्मा गांधी, उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस. प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम इज 42 seconds. ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमी. जज इज टू कोर्ट रूम एज, एम्पायर एज टू क्रिकेट. देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आप इन द निक ऑफ टाइम या जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके जो सेंट्रल मैसेज है उसको समझें कि ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है ये डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ का क्वेश्चन है, कि जैसे कोर्ट रूम में जज डिसाइड करते हैं वैसे ही क्रिकेट में अंपायर डिसाइड करते हैं. अदरवाइज आपको ये वाले भी क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं ये परेशान कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो आर वेरी रेलिवेंट, दे लुक वेरी रेलिवेंट, बट अदरवाइज ये नहीं है. आगे मूव करते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग प्रोफेशन के, बी आंसर है. तो इंग्लिश वोकैबुलरी प्लीज़ आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपने वोकैबुलरी के वर्ड्स को ऐड करते रहें. आगे है लेजिटिमेट मीन्स लॉफुल, सब जुडिस मीन्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ये एक idiom है ये आपको याद रखना है. द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द accused. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स. विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर. प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लीव अस अ कॉमेंट. विल मीट यू अगेन. थैंक यू.